हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट एंड ब्लूम्स। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं अपने इस मधुमालती के प्लांट पर लेकर के आई हूँ। आप देख सकते हैं, जो पहले की वीडियोस में देखा होगा उसमें आपने देखा होगा मधुमालती का मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा नीचे से घना था। तो मैं बता दूँ, अभी जो रीज़न है ये देखिए, मैंने सारी ऑलमोस्ट इसकी ब्रांचेस निकाल दी हैं यहाँ से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये ब्रांचेस क्यों निकाली हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, ये मेरा जो मधुमालती का प्लांट है ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना प्लांट है मेरा ये। और जब ये पहले नीचे था तो इसने बहुत तेज़ी से एकदम लेंथ पकड़ ली थी। तो मेरी वे बालकनी में था, मेरे पास अगर जैसे, क्योंकि जिस टाइम ये मेरे पास था उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, बट मैंने भी रिसेंट में शुरू किया है तो मैं आपको ये बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैं जो इसकी पुरानी वीडियो होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जिसमें ये मेरे पूरे जाल पे ऊपर तक था। बट द थिंग इज़ कि फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि बालकनी में ऑब्वियसली मेरी बालकनी में थोड़ा कम धूप आती है, तो जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया। बिकॉज मुझे इसके फ्लावर्स बहुत पसंद है, मैं आपको इसके एक्चुअल वाले फ्लावर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आते हैं। हालांकि ये ड्वार्फ मधुमालती है, ये इसका छोटा साइज़ वाला है जो हमेशा ड्वार्फ ही रहता है, बस फैलता है ये, बेल की तरह नहीं आता। तो उसमें भी कुछ इस तरीके से फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, यही रीज़न है, मुझे ये फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं चाहती थी कि अच्छे से फैल जाए और इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स आएँ, क्योंकि इन फ्लावर्स की खुशबू भी बहुत बहुत अच्छी होती है। तो जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि जल्दी से बड़ा हो, मैच्योर हो जाए और इसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स आएँ। तो अब आप पूछ रहे होंगे मैंने ये क्यों काटा है, इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं मैंने क्यों हटाई हैं। तो फ्रेंड्स, रीज़न यही है कि आप जितनी जल्दी नीचे की ये, क्योंकि देखिए ब्रांचेस भी बढ़ने में, देखिए ये देखिए बढ़ रही थी ये, तो बढ़ने में ब्रांचेस क्या होंगे कि ये एनर्जी लेंगी। तो अगर मैं नीचे की ब्रांचेस काट दूंगी तो क्या होगा, जो एनर्जी होगी, जो जड़ होगी, मिट्टी पानी जो इसको मिल रहा है, वो क्या होगा, वो अपनी एनर्जी ऊपर से इन प्लांट्स को ऊपर देगा, जिससे कि ये प्लांट क्या होगा, जो ग्रोथ होगी वो यहाँ पे, जो एनर्जी होगी वो ग्रोथ यहाँ पे लेगी अपने लिए। सो इसी रीज़न की वजह से मैंने ये ब्रांचेस काटी हैं, क्योंकि देखिए नीचे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो रही थी। अभी देखिए ये भी है, ये रही, मैं इसको भी काटने वाली हूँ, इसको हटा ही देती हूँ, मैंने इसे हटा दिया है, इसको भी काट दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि जो जड़ होगी वो अपनी जो भी एनर्जी होगा वो ऊपर प्लांट को बढ़ने में देगा, ना कि इन साइड वाली ब्रांचेस को बढ़ाने में। तो इसी यही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ब्रांचेस काटी है, और अभी मैं इसकी और ब्रांचेस काटने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो फ्रेंड्स, मैं सीज़र ले आई हूँ और ये थोड़ा सा रह गया था, इसको फटाक से काट देते हैं। एक्चुअली मेरी सीज़र काफ़ी पुरानी है, अभी इन ब्रांचेस को भी काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी ये बंडल एक किधर काटा था और एक बंडल मैंने ये काटा हुआ है। तो अभी मेरा प्लांट कुछ इस तरीके से नंगू हो गया है। सो इट्स फाइन गाइस, अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपने प्लांट की बहुत बुरी हालत कर दी है, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा प्लांट इसमें एनर्जी लगा रहा है, मैं वो ये यहाँ बढ़ने में लगाए, यहाँ पर बढ़ने में लगाए। तो यही रीज़न है जो मैंने ये प्लांट काटा है, क्योंकि यही एक्चुअल एक चीज़ है जिससे कि आपका प्लांट जल्दी से बड़ा होगा और फ्लावर्स देगा। क्योंकि मधुमालती एक ऐसा प्लांट है, प्लांट कह लीजिए, बेल कीजिए कह लीजिए, वाइन है ये एक तरीके की, जो कि मैच्योर होने पे ही, काफ़ी बड़ी होने पे ही फ्लावरिंग करती है। तो यही रीज़न था। वैसे ऐसा नहीं है, कई लोगों के केस में हो जाता है, क्योंकि देखिए नेचर है, नेचर अपने आप में एक मैजिक है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसको काटा है। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी अच्छे से कटाई छटाई कर दी है। अभी ये कुछ ऐसी ऐसी ब्रांचेस हैं, मैं ये भी निकाल दूँगी। सो फ्रेंड्स, डोंट वरी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा इस तरीके से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आपका जो प्लांट है वो जल्दी ही ग्रोथ करेगा यहाँ से। मैं आपको कुछ दिन में रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी इसके।
और मैंने कुछ यहाँ पे इस तरीके से बांध भी दिया है जिससे कि ये ऐसे बेल पकड़ ले। और बाकी मैं इसके लिए कुछ अलग से करने वाली हूँ, उधर से ऐसे रस्सी बांधने वाली हूँ, तो इस तरीके से कुछ। सो दैट्स ऑल फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। बाकी इसकी खाद वगैरह के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शेयर क्या, मैं आपको बता भी देती हूँ थोड़ा बहुत कि इसमें थोड़ा बहुत क्या पूरे बता देती हूँ, इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह डलता है। बाकी अगली बार जब मैं आऊँगी अपने इस प्लांट के संग मिलूँगी तो आपको दिखाऊँगी मैं किस तरीके से मैं इसको कंपोस्ट वगैरह दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत पुराना प्लांट है और ये ना पूरा का पूरा रूट बाउंड भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग गाइज़।